जय जवान जय किसान साथियों, मैं आपका भाई भरत जादरा नारायण खेड़ा से, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकेत से। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि चार कर्मचारी साथी जो काफ़ी दिन से सिरसा में धरने पे बैठे थे, बीजेपी की घमंडी सरकार किसी की मांगें बिना आंदोलन के मानती नहीं है, तो 15 दिन से वो कर्मचारी हड़ताल पे बैठे थे अपनी, परंतु और सारे हरियाणा के भी कर्मचारी उस लाइन के हैं, वो सारे हड़ताल पे बैठे थे। 16,000 कर्मचारी सरकार ने मांगे न मानने के कारण आज सुबह 5 अगस्त को चार साथी सिरसा की पानी के टंकी पे चढ़े हुए हैं, जिसमें कुंदन गावड़िया है, कृष्ण भादरा है, विकास ढिल्लो है और एक साथी नुयावाड़ी से भी है। चार साथी अपनी मौत के जो मौत को न देखते हुए बहुत ही जो मुश्किल काम है उसको उन्होंने किया है, पानी की टंकी पे चढ़े हैं, क्योंकि ये काम मौत से कम नहीं है, क्योंकि मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ। मैं और हमारे तीन साथी और चार किसान साथी नारायण खेड़ा की पानी की टंकी पे रहे थे 16 दिन, इस प्रशासन को फिर झुकाया था। प्रशासन को झुकना ही है। बागड़ी में एक कहावत है, बकरी मींगनी देती है परंतु दूध देती है परंतु मींगनी लड़ा के देती है। किसान साथियों, ये बीजेपी की सरकार बिना आंदोलन को कुछ देने वाली नहीं है। मैं आपसे अब यही कहना चाहूँगा कि चार साथी जो सिरसा की पानी के टंकी पर चढ़े हैं, उनका सभी सहयोग करें और सिरसा के प्रशासन को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि समय रहते उनकी मांगें मानने का काम करें, और हरियाणा सरकार को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि कैबिनेट के मीटिंग के अंदर उनका फैसला है वो लें और उनको सरकारी पक्के करने का काम करें, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन टिकेत एक बहुत बड़ी संख्या के साथ वहाँ पे सिरसा के अंदर आएगी। जीत उनकी निश्चित है, डटे रहो साथियों, कोई बात नहीं, सारे साथी हम साथ किसान साथी और सभी वर्ग के लोग आपके साथ हैं, और सरकार को जल्दी से जल्दी मांगे माननी चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा और सरकार को फिर मुंह की खानी पड़ेगी। सिरसा का प्रशासन अगर समय रहते चेतता और उनकी आवाज़ को आगे पहुंचाता तो वो किसान वो चार साथी मौत के मुंह में नहीं होते, क्योंकि टंकी का हमें अनुभव है, हम 16 दिन रहे थे, एक दिन भी कोई साथी नहीं निकाल सकता, बहुत मुश्किल काम है। परंतु जो क्रांतिकारी साथी होते हैं भगत सिंह, इनके वंशज हमें पता है कि वो भी अपनी जान दे के गए थे और भारत को आज़ाद कराया था, तो कोई ना कोई क्रांतिकारी साथी हमेशा ही अपने वर्ग की आवाज़ उठाता है, और आज वो क्रांतिकारी चार साथी है टंकी पे चढ़े हुए हैं सिरसा की। प्रशासन को और सरकार को जल्द से जल्द इनकी मांगे माननी चाहिए, नहीं तो ये भारतीय किसान यूनियन आपके नाक में दम करके और उन साथियों को विजय दिलवा करके नीचे उतारने का काम करेगी। सभी साथी इस वीडियो को शेयर करें। जय जवान जय किसान साथियों।